हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको थोड़ा गार्डनिंग के बारे में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए थे और आज मेरा सबसे पहला मैं जो वीडियो करने वाली गार्डनिंग का वो प्लांट गार्डेनिया के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको हिंदी में गंधराज करके कहते हैं और मराठी में अनंत करके कहते हैं। सो गार्डेनिया के बारे में मैं आपको आज सब इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको मेरा थोड़ा जो छोटा सा मैंने गार्डन बनाया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए लेट्स सी माय गार्डन। ये जो गंधराज का पौधा है ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है और ये जो मेरे पास है ये जो हाइब्रिड प्लांट मैंने लगाया है इसकी फीट 3 फीट तक लंबी होती है और इस प्लांट की ना बार बार कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। पीले पत्ते हैं तो वो निकालना भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके मैं पॉटिंग इसमें मैंने 30% कंपोस्ट और 70% गार्डन सॉइल लिया है और 10% मैंने थोड़ा कोकोपीट भी मिलाया था। और अगर आपके पास नीम खली है अगर आप उसमें डालते हैं तो बहुत बढ़िया है। नीम खली से क्या कीड़े मकोड़े नहीं होंगे आपके मिट्टी के अंदर। और इस प्लांट को ना कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। और इसके पत्ते अगर आप देखेंगे तो देखो कितने हरे भरे हैं, एकदम ग्रीनिश कलर के हैं, बिल्कुल पीले नहीं दिख रहे हैं। तो इसे एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, मतलब इसकी जो मिट्टी है उसमें हमेशा फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। हर हर 20 दिन के बाद आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, जैसे बनाना पील वाटर है, ओनियन पील वाटर है। और मैं जो इसमें डालती हूँ हर एक 20 दिन के बाद मैंने अव्या एग्रो का बोन मिल डाला था और फिर एक बार वर्मी कंपोस्ट डाला था, काउ डंग भी दिया था और बीच बीच में तो वो मैं बनाना पील वाटर और ओनियन पील वाटर देती रहती हूँ। तो इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, तब तक ये ज़्यादा ब्लूम नहीं करेगा, इसके पत्ते भी अच्छे नहीं होंगे। तो ये आप अच्छे से याद रखना कि फर्टिलाइज़र देना इसको बहुत ज़रूरी है। हर एक 20 दिन के अंतर से आपको फर्टिलाइज़र देना है। पानी भी आपको इसमें मॉइस्चर, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखिए, ठीक है। और फिर इसकी जब ये फूल खिलेगा तो इसकी जो खुशबू है इतनी बढ़िया आती है कि आपका जो मन है बहुत मोहित उठेगा। इसके फूल को ही इसीलिए गंधराज कहते हैं, मतलब गंधों का राजा गंधराज, ठीक है। तो आप ये प्लांट आपके घर में लगाइए, देखिए इसका मैजिक। मैंने भी देखा है और आपके साथ सेम मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन में ये फूल खिल उठेगा और फिर वीडियो भी आपको मैं भेजूँगी, इसी यूट्यूब चैनल में आपको शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे देखते रहना। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।